हिंदुस्तान की आत्मा बसती है हमारे शास्त्रीय संगीत में। यहाँ की गंगा जमनी तहजीब की सतरंगी झलकियां हमें इसमें देखने को मिलती हैं, और भारतीय शास्त्रीय संगीत की आत्मा बसती है उस्ताद विलायत खान साहब जैसे फनकारों ने। विलायत खान साहब की क्या तारीफ करें, इनकी तारीफ करना सूरज को चिराग दिखाने जैसा है। ऐसा फनकार सदियों में एक बार पैदा होता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की अनमोल विरासत को इन्होंने अपने सितार संगीत से न सिर्फ जिंदा रखा है बल्कि आगे भी बढ़ाया है। शास्त्रीय संगीत इतनी हवा इतनी मुश्किल कोई चीज नहीं है जो लोगों तक पहुंच ना सके या लोगों को पसंद आ ना सके। दरअसल बात यह है कि अदर देन शास्त्रीय संगीत दीज डेज इन दिस सेंचुरी इन दिस टाइम इतनी इंटरेस्टिंग बना के पेश किया जा रहा है कि शास्त्रीय संगीत की चीजें ही ले लेके अपने आज के मॉडर्न म्यूजिक फोक म्यूजिक से लेके मॉडर्न में या फिल्म में ले करके उसको इतना बना के इतना अच्छा करके पेश किया जा रहा है कि वो ना समझ को भी समझ में आने लगता है। बात दरअसल ये है कि संगीत को पेश करने का तरीका, एक तो तीर सचमुच का मार दिया और एक तीर ऐसी बात बोल दी जिससे ताना ना मारो तो तीर लागे रे ला। याद रखो मेरे आने वाली जनरेशनों, संगीत को और अपने ऑडियंस को और उसके पेश करने को अपनी जिंदगी के बराबर अहम चीज समझना। मैं आज तक के दिन तक हजारों लाखों कॉन्सर्ट्स करने के बाद तो बड़ा एट ईज हो गया होगा, मेरे लिए तो मेरी ऑडियंस लेफ्ट हैंड, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को लेफ्ट हैंड कभी नहीं लेता। मैं अपनी ऑडियंस को और स्टेज को बिल्कुल ऐसा समझता हूं कि जैसे मैं नहा धो के पाक साफ होकर मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा हूं। हर कॉन्सर्ट को अपना अगला नया इम्तहान समझना कि मैं जिंदगी भर इम्तहान देता चला आया, अल्लाह मियां मैं आज फिर से एक नए इम्तहान में जा रहा हूं, मुझे फिर से पास कर दीजो, फर्स्ट क्लास पास कीजो। लोग ये कह दें, सारी जिंदगी लोग ये कह दें यार ही इज बेटर देन यस्टरडे, फर्स्ट क्लास पास कीजो। लोग ये कह दें, सारी जिंदगी लोग ये कह दें यार ही इज बेटर देन यस्टरडे।
बादशाह के सामने मियां तानसेन दरबारी कांगड़ा बजाते होंगे और ऐसा अरबाब नुशाद से बदला रहता होगा और सब लोग अपने अपने सुरों में उनके सुर सुन के ऐसे हो जाते होंगे नींद बिल्कुल। तो क्या वक्त होता होगा वो, अल्लाह आप लोगों को सबको सलामत रखे। थोड़ा सा मुझे वो माहौल याद आ रहा है, मुझसे वैसा हो या ना हो मगर माहौल जरूर याद आ रहा है। साहब फिर इसमें एक सवाल और उठता है इसी बीच से कि बड़े बड़े उस्ताद उस्तादों ने अपना काम किया, आज उनको लोग फॉलो कर रहे हैं, उसी में एक ठुमरी दादरा आया जो कई लोग कहते हैं कि ठुमरी दादरा बड़ी लाइट चीज है। मैं ख्यालिया हूं, मैं नहीं गाऊंगा। क्या यह जरूरी है कि हर ख्यालिया को ठुमरी गाना आता है? आपने तो खुद ही जवाब दे दिया, मेरा ख्याल है मैं ख्यालिया हूं, मैं ठुमरी नहीं गाता, आपको गाना नहीं आता। ठुमरी बहुत मुश्किल चीज है, वो खाली टेक्निक और सुर और ताल और राग के ऊपर बेस नहीं है, इसके साथ साथ
इमोशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपका इमोशनल क्या अप्रोच है। सर एक ठंडे का अंग तो बता दें क्या होता है। राजा सवरिया तो है गला गले लगा लूं रस के भरे तोरे नैन, कितनी एस्थेटिक बात है। अब वो चोली से नीचे कमर लच गई तो सवरिया नैन छतियां धड़क गई चोली से नीचे। अब इस ये कहां पर ये और इसमें जरा से बात पे सब कह दिया कि रस के भरे तोरे नैन राजा सवरिया तो है गले लगा लूं। वाह, बड़ी एस्थेटिक साहित्यिक बात है, सजेस्टिव बात है, कुछ नहीं बोल के सब कुछ बोल दिया। वाह, है ना। और फिर उसके मन अगर आवाज निहायत अच्छी हो, इस चैन से इसको कहा जाए, इसका प्रेजेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू अच्छा हो, और वो औरत अगर अपने सचमुच निहायत ऐसे बैठी है और उसके सामने वो एक निहायत हसीन एक मर्द उसकी आंखें, तो वो कह रही है तो ये गरबा लगा लूं रस के भरे तोरे नैन। तो ये प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है और बात कुछ भी नहीं है।
पूछा कि ये क्या आपके म्यूजिक में स्केल चेंज होता है। मैंने कहा हमने 2300 बरस पहले ये करके छोड़ दिया और मैं आज आपको सुनाऊं। हम बहुत फैल के बात नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मुख्तसर सी बात है लेकिन बात है। अल्लाह के करम से हमने सबको सुना है, जितने बुजुर्ग गुजुर्ग हैं हमारी जिंदगी में और हम उनको सुनते आए हैं सबको सुना है, और अब जिस वक्त जितने अच्छे कलाकार हैं सबको सुना है। एक काम ये ऐसा कर रहे हैं हमारे बराज भाई कि जो अभी तक हमने नहीं सुना था सितार में या सरोद में, सारंगी तो अपनी जगह है लेकिन सितार के अंदर ये तान ऐसे जाते हैं आकार की, हम ताज्जुब करके यार तान कैसे निकलती है और बड़ी सही तान जाती है। तो हम शुक्र भेजा हम का परवरदिगार, ऐसा नहीं है कि कोई चीज खत्म कर दिया गया, निकलती आती है बात। अल्लाह पर भरोसा करने वाला वो दे देता है, अता करता है कि चल ले जाओ। तो सितार के अंदर आहा की तार जो आकार कहते हैं वो तान जाती है और बड़ी सही तान जाती है। मैं खामोश रहा, सुनता रहा और ये अभी तक हम दूसरी जगह नहीं सुना कहीं। वलायत खान सुरीला आदमी है और उसके साथ में एक अजीब कैफियत पैदा होती है। मेरी जो भी खामियां हैं गलतियां हैं वो मेरी हैं, उन्हें माफ कीजिएगा। गोरिताना ना मारो चले जाएंगे, गोरिताना ना मारो चले जाएंगे, गोरिताना ना मारो गोरी सोरे से पर